हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज से हम सभी एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बीडी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ पढ़ूंगी। आज के हमारे टॉपिक है बीईडी एग्जामिनेशन के, हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। आज के हमारे टॉपिक है ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस का सेट वन। चलिए शुरू करते हैं। अ टीचर विल बिकम अकाउंटेबल ऑन टू हीज और हर ड्यूटी इफ ही और शी इज गिवन डैश ऑप्शन ए फ्रीडम इन द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड ऑफ टीचिंग, ऑप्शन बी ट्रेनिंग इन टीचिंग, ऑप्शन सी मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर स्टडीज, या फिर ऑप्शन डी और हायर सैलरी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फ्रीडम इन द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड ऑफ टीचिंग। मतलब अगर एक टीचर अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाएगा, अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाएगा, तो वो अपने ड्यूटी की तरफ ज़्यादा अकाउंटेबल होगा। द मॉन्टेसरी स्कूल्स इंसिस्ट ऑन डैश ऑप्शन ए, क्रिएटिव टीचिंग ऑप्शन बी, द प्रिंसिपल ऑफ सेंस ट्रेनिंग ऑप्शन सी, कंप्लीट डिसिप्लिन एंड ऑप्शन डी इक्विप्ड स्कूल बिल्डिंग। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज क्रिएटिव टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन इन योर क्लास टू इवेल्युएट द नॉलेज ऑफ योर स्टूडेंट, द बेस्ट मेथड विल बी टू डैश ऑप्शन ए, यू आस्क मोर देन वन क्वेश्चन एट अ टाइम, ऑप्शन बी आस्क लेंथी क्वेश्चंस, ऑप्शन सी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, ऑप्शन सी पुट क्वेश्चन टू द होल क्लास एंड देन सिलेक्ट अ स्टूडेंट टू आंसर इट, एंड ऑप्शन उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज यू आस्क मोर देन वन क्वेश्चन एट अ टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, अ टीचर विल बिकम गुड कम्युनिकेटर इफ ही और शी हैज एबिलिटी ऑफ डैश ऑप्शन ए स्पीकिंग, ऑप्शन बी लिसनिंग, ऑप्शन सी यूजिंग द लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन डी यूज ऑफ ह्यूमर इन स्पीच, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज द लीस्ट रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ अ टीचर, ऑप्शन ए लव कॉर्पोरेशन एंड इनकरेजमेंट, ऑप्शन बी रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक इन अदर क्लासेस, ऑप्शन सी इंडिविजुअलाइज्ड हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स, या फिर ऑप्शन डी ओपन क्लासरूम डिस्कशन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक इन अदर क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टीचर इज टू डैश ऑप्शन ए मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड वॉट ही सेज, ऑप्शन बी कीप स्टूडेंट रिलैक्स ड्यूरिंग द क्लास, ऑप्शन सी कंप्लीट द कोर्स, ऑप्शन डी टेक क्लासेस रेगुलरली, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ पर्सन रिफ्यूज टू गिव परमिशन फॉर हिज चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कल्चरल एक्टिविटी, व्हाट विल यू डू एज अ टीचर, व्हाट विल यू डू, ऑप्शन ए इज आई विल रिफर द मैटर टू द प्रिंसिपल, ऑप्शन बी आई विल डिस्कस द एजुकेशनल पर्पस ऑफ द कल्चरल एक्टिविटी विद द पेरेंट, ऑप्शन सी आई विल आस्क अनदर टीचर टू कन्विंस द पेरेंट, ऑप्शन डी आई विल कैंसिल द कल्चरल प्रोग्राम, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज आई विल डिस्कस द एजुकेशनल पर्पस ऑफ द कल्चरल एक्टिविटी विद द पेरेंट। क्वेश्चन नंबर 8, टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट इन क्लास अ टीचर शुड डैश ऑप्शन ए यूज ब्लैकबोर्ड, ऑप्शन बी आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस, ऑप्शन सी टेल स्टोरीज, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 9, स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चन इन अ क्लास शुड बी डैश ऑप्शन ए एडवाइस टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, ऑप्शन बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन इन द क्लास, ऑप्शन सी एनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, या फिर ऑप्शन डी एनकरेज टू सर्च आंसर इंडिपेंडेंटली, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 11, मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू डैश ऑप्शन ए विंटर, ऑप्शन बी बियर, ऑप्शन सी ड्रीम, या फिर ऑप्शन डी स्लीप, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज स्लीप। मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू स्लीप। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिस्ट इज टू पेंटिंग एज एमपी इज टू डैश ऑप्शन ए अटॉर्नी, ऑप्शन बी लॉ, ऑप्शन सी पॉलिटिशियन, या फिर ऑप्शन डी कंस्टिट्यूएंट, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लॉ। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑप्शन ए, इसका क्वेश्चन क्या है, 4, 6, 12, 7, 14, 28, 30। तो आप देख सकते हैं एक बार 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार 2 का प्लस हो रहा है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें इसका 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरकास्ट फ्यूचर सो रिग्रेट पास्ट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज पास्ट। मोटरसाइकिल इज रिलेटेड टू पेट्रोल इन द सेम वे एज लाइफ इज रिलेटेड टू
डैश अर्थ सन मून या फिर स्टार एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज सन. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी कम एट ब्लैंक स्पेस डी ई एफ डी ई एफ टू डी ई टू एफ टू एंड डी ई. नेक्स्ट क्या हो सकता है सीक्वेंस में एकदम आसान है बहुत ही आसान. इसके बाद क्या होगा डी ई टू एफ एफ डी ई टू ई टू एफ टू. सो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आ जाएगा ऑप्शन बी दैट इज डी टू ई टू एंड एफ टू. बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकदम कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप एक टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं बीईडी का एग्जाम तो उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क मोटिवेट करता है तो बॉडी माइंड वॉल पेंट. ऑप्शन सी है बॉडी फूड या फिर ऑप्शन डी है पेट्रोल कार. ये सारे तो आप देख सकते हैं कि इनमें से ऑड कौन सा है बॉडी का माइंड से ऑड है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18 विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर कॉर्निया रेटिना प्यूपिल विजन. कॉर्निया रेटिना प्यूपिल ये सब आई के पार्ट्स है और विजन एक अलग चीज़ है मतलब देखने को विजन कहते हैं. विजन एक क्रिया भी हो सकती है. नेक्स्ट इसका आंसर है राइट ऑप्शन डी पॉइंटिंग टू वर्ड अ पर्सन अ मैन सेड टू द वुमेन हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ यूअर फादर हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन हीज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ यूअर फादर हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन. एक व्यक्ति कह रहा है एक व्यक्ति अपनी एक औरत से कह रहा है कि उसके पाप उसकी मदर उसकी बेटी की मतलब मैन की मदर उसकी बेटी की सॉरी हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ यूअर फादर हाउ विल द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन. तो दोस्तों इस पर दिमाग लगाइए आप लोग और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए. बहुत ही आसान है वैसे तो लेकिन देना चाहिए आप सबको इसका आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 द नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर डैश. ऑप्शन ए 1951 ऑप्शन बी 1961 ऑप्शन सी 1971 या फिर ऑप्शन डी 1981 एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दैट इज 1961. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 CIET स्टैंड्स फॉर डैश. ऑप्शन ए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इफेक्टिव टेक्नोलॉजी ऑप्शन बी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड टीचिंग ऑप्शन सी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 22 इज मतलब ऑप्शन बी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट रिलेटेड टू RIE. ऑप्शन ए अजमेर ऑप्शन बी भोपाल ऑप्शन सी मैसूर और ऑप्शन डी रायपुर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी रायपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन बेसिक एजुकेशनल प्रोग्राम OBEP इज फॉर डैश. ऑप्शन ए चिल्ड्रन बिलो ईयर 14 ईयर ऑफ एज ऑप्शन बी अडल्ट बिलो 14 ईयर ऑफ एज ऑप्शन सी दैट इज बोथ ए एंड बी चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर ऑफ एज एंड अडल्ट बिलो 14 ईयर ऑफ एज एंड नन ऑफ द अबव एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ UGC. ऑप्शन ए प्रोफेसर ममिताला जगदीश कुमार ऑप्शन बी प्रोफेसर HP गौतम ऑप्शन सी प्रोफेसर H देवराज या फिर ऑप्शन डी प्रोफेसर YC बद्री एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज प्रोफेसर ममिताला जगदीश कुमार. नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वा शिक्षा अभियान SSA प्रोग्राम वॉज पायोनर्ड बाय डैश. ऑप्शन ए मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी ऑप्शन सी चंद्रशेखर या फिर ऑप्शन डी मिस्टर VP सिंह एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए दैट इज मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज सिचुएटेड एट डैश. ऑप्शन ए न्यू दिल्ली ऑप्शन बी वाराणसी ऑप्शन सी मैसूर या फिर ऑप्शन डी पुणे एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज मैसूर. नेक्स्ट क्वेश्चन RSI बिकम अ स्टेचुअरी बॉडी इन विच डैश. ऑप्शन ए 1986 1990 1993 1996 एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी दैट इज 1990. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच डेट NCERT वॉज कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ स्टेचुअरी बॉडी. ऑप्शन ए 15th अगस्त 1995 ऑप्शन बी 17th अगस्त 1995 ऑप्शन सी 18th अगस्त 1995 एंड ऑप्शन डी इज 28th अगस्त 1995 एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी दैट इज 17th अगस्त 1995. नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास टुडेज क्लास
National Institute of Mental Health and Neurosciences is situated at dash option A Lucknow, option B Bhopal, option C Bengaluru, option D Delhi. And the right answer to this question will be option C, that is Bengaluru. सो गाइज़, आज का हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है. आप BED से जुड़े सारे क्वेश्चंस के लिए पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए. इस वीडियो के PDF लिंक के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं. आपको सारे PDF में नोट्स मिल जाएंगे, आप उसे डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस करते रहिए. ऐसे ही क्वेश्चन के साथ लिए पंडोले स्टडीज़ के साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस पर शेयर कीजिए, इसे कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा. और आपको इसमें से एक आंसर भी देना है कमेंट करके. इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोले स्टडीज़ को. और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़.